आगे बढ़ते हैं एसएमएस हॉस्पिटल के मुख्य द्वार पर अटकती मरीजों की सांसें। मुख्य सड़क पर अतिक्रमणकारियों के आगे प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। दरअसल प्रशासन ने व्यवस्था सुधारने के नाम पर कुछ गेट यहां पर बंद कर दिए हैं। गेट नंबर 2-3 के दो दो मुख्य द्वार में एक एक गेट बंद कर दिए गए हैं। परिजन मरीज की आवाजाही के लिए सिर्फ एक एक गेट यहाँ पर खोला गया है। अब इन एक एक गेट पर भी मुख्य सड़क की तरफ से अतिक्रमण की बाढ़ लगातार बढ़ रही है। किसी ने यहाँ पर चाय की स्टॉल खोली हुई है, किसी ने मुख्य सड़क पर ठेला लगाया हुआ है। ऐसे हालात में मरीज और उनके तीमानदार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस अतिक्रमण से मुख्य इमरजेंसी के गेट पर कई बार दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। एम्बुलेंस तक को यहाँ पर अंदर आने के लिए एक सही रास्ता नहीं मिल पाता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब अतिक्रमणकारियों को प्रशासन यहाँ पर नहीं हटा सकता, तो सिर्फ गेट बंद करके यहाँ पर आम जन जो है, मरीज जो है, तीमानदार जो है, उनकी परेशानियां यहाँ पर क्यों बढ़ाई जा रही है। साथ ही एक बड़ा सवाल, क्या अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विनय मल्होत्रा इस पूरे मामले को लेकर ध्यान देंगे। इसी खबर पर हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सुबह भी बात हुई थी, क्या कुछ अपडेट? प्रीति, देखिए, ये जो जिम्मेदारी है, ये दो अलग अलग तंत्र है जिनकी जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी एसएमएस अस्पताल प्रशासन की है कि वो अपने बाहर के अतिक्रमण को लेकर के गंभीरता दिखाए, और दूसरा स्थानीय प्रशासन, चाहे जिला नगर निगम की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें, जो कि वहाँ के, क्योंकि बड़ा अत्यंत गंभीर और चिंताजनक मामला है कि अस्पताल जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और उसके मुख्य द्वार पर ही इस तरह से पूरे अतिक्रमण की भेड़ चढ़ा हुआ है मुख्य द्वार, और उस बीच में अस्पताल प्रशासन ने अपने मुख्य द्वारों में से आधे द्वार जो है वो बंद भी कर दिए। ऐसे में मरीजों के लिए बड़ी दिक्कतें जो है वो खड़ी हो गई है कि वो एक द्वार के अंदर से अंदर जाए, और वो भी अतिक्रमण के बीच में, क्योंकि बीच में आप देखिए विकास में आप देख सकते हैं किस तरह से थड़ी ठेले जो है वो मुख्य द्वार पर खड़े रहते हैं। उसके अलावा और जो बेचने वाले जो है, अलग अलग तरह की चीजें जो है वो बेचने वाले मुख्य द्वार पर खड़े रहते हैं, उन सबके बीच में मरीज जो है वो अंदर मुख्य द्वार में कैसे प्रवेश करे, और ये बड़ी चिंता वाली बात है। कई मरीज जो है, आज सुबह की बात करें तो आज सुबह एक एम्बुलेंस थी, वो अंदर घुसने के लिए 3 से 4 मिनट तक उसको इंतजार करना पड़ा, और एम्बुलेंस चालक जो है उसी ने हमसे संपर्क किया और उन्होंने बताया कि किस तरह की अव्यवस्था है जो है मुख्य द्वार पर हो रही है, जिसके चलते मरीजों को दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है। जी, तो क्या लगता है विकास यहाँ पर कि जो अतिक्रमणकारी है, लगातार अतिक्रमण बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन पर यहाँ सख्ती से रोक लगाने की जरूरत है, ना कि गेट बंद करने की? देखिए, गेट बंद करना एक व्यवस्था का पार्ट है। अस्पताल प्रशासन ने कुछ अच्छा सोच करके ये व्यवस्था की है, ताकि क्योंकि कम गेट रहेंगे तो मॉनिटरिंग हो सकेगी, साथ में जो अत्यधिक भीड़ जो अस्पताल में दबाव रहता है, क्राउड मैनेजमेंट का एक पार्ट था कि कम से कम गेट रखे जाए और उनमें से उनकी चेकिंग की जाए, तो ये अच्छी बात थी, अच्छा प्रयास था। लेकिन उसके साथ में जो दूसरी अव्यवस्था थी वो ये है कि जो गेट सिर्फ खुले रखे गए हैं उनको अतिक्रमण मुक्त रखा जाए, अगर वो रखते तो काफी हद तक ये सुविधा जो विकास उम्मीद कर सकते हैं खबर दिखाए जाने के बाद में यहां पर प्रशासन की ओर से कुछ रियायत जरूर बरती जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।